हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। जैसा कि आपको पता ही, हमने अपना एंटी हिस्टामिनिक एजेंट स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम उसके रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, वो कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया हुआ है। आज हम इसका डिफरेंस करेंगे। दो रिसेप्टर्स लिए हैं हमने, H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है, इसके अंदर दो जनरेशंस आती हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट हुए जो भी एजेंट, उसको हमने फर्स्ट जनरेशन में रख दिया। फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की और कुछ न्यू कंपाउंड और एजेंट जो है हम फाइंड आउट हुए, उसको हमने सेकंड जनरेशन में रख दिया। अब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट जनरेशन के जितने भी एजेंट थे ना, वो सारे सीडेटिव्स थे, फाइन। और जो सेकंड जनरेशन के एजेंट है, वो सीडेशन कॉज नहीं कर रहे। ये इसका एडवांटेज है सेकंड जनरेशन का। और फर्स्ट जनरेशन में हमने सारी की सारी ओल्ड ड्रग्स रखी हुई हैं, जो हमने पहले फाइंड आउट की थी। अब उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी और कुछ न्यू कंपाउंड ऐड कर दिए, तो वो सारी ड्रग्स क्या होगी? सेकंड जनरेशन होगी। सो ये क्या होगी? न्यू ड्रग्स हो गई। जो भी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स थी, सारी की सारी लिपोफिलिक इन नेचर थी। मींस फिलिक मींस लविंग इन नेचर, लिपोफिलिक इन नेचर। और जो भी सेकंड जनरेशन की ड्रग्स हैं, वो सारी लिपोफोबिक इन नेचर है। फोबिक मींस फियर, सो फोबिक इन नेचर है। फोर्थ पॉइंट इज, जो भी फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स थी, कैन क्रॉस अ ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती थी, जो कि इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हो रहा है कि दे कांट क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर होता क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो सेपरेट करती है ब्लड को फ्रॉम दी CSF। CSF क्या है? सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो ब्लड को सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड के साथ सेपरेट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ब्लड ब्रेन बैरियर, फाइन। लास्ट इसका पॉइंट है, मोर एडवर्स इफेक्ट्स। जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स थी, उसके जो एडवर्स इफेक्ट थे, बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन के जो ड्रग्स हैं, उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो कम है। सो हमें जब प्रेफर करना होगा, तो हम सेकंड जनरेशन की ड्रग्स को ही प्रेफर करेंगे ओवर दी फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि उसके एडवांटेजेस ज्यादा है और जो एडवर्स इफेक्ट है वो कम है। अब जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है, वो वर्क कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, वो थोड़ा सा हम बेसिकली देख लेते हैं। सबसे पहले एक सेल है, और सेल में कोई भी एक पार्ट जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है, फाइन। अब ये इन्फेक्टेड जो पार्ट है, हमने इसको रिमूव करना है, क्योंकि अगर ये रिमूव नहीं होगा तो ये पूरा सेल खराब हो जाएगा। सो ये फर्स्ट स्टेज क्या होगी? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज से जो इन्फेक्टेड सेल है, उसने क्या किया, अब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वर्क में आ गया, एक्शन में आ गया हमारा इम्यून सिस्टम। उसने क्या किया, सबसे पहले हेल्पर टी सेल रिलीज किए, उसके साथ साथ उसने मेमोरी टी सेल भी रिलीज किए। मेमोरी टी सेल क्यों रिलीज किए? कि इन फर्दर सेम इन्फेक्शन अगर वो आती है, तो हमारी बॉडी उसके साथ फाइट कर सके इजिली, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस हो गई। उसके बाद क्या होगा, किलर टी सेल ने एक्शन में आके जो इन्फेक्टेड पार्ट था, फाइन, उसको हमने किल करवा दिया। किल हो गया तो जो हमारा इन्फेक्टेड सेल था, वो यहाँ पे डेड हो गया, और जो बच गया वो हमारा हेल्दी होगा, फाइन। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक उस जो इन्फेक्टेड पार्ट है, सिर्फ उसी को किल करे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा जो सेल है वो उसी को किल कर दे, ताकि फर्दर जो वो दूसरे सेल के साथ ना मिल सके और फैले ना पूरी बॉडी में, स्प्रेड आउट ना हो। तो इसलिए वो उस पर डिपेंड करता है कि जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी स्टेज क्या है। अगर तो वो माइनर सी है, तो वो पूरा सेल क्यों किल करेगा? वो सिर्फ उसी पार्ट को रिमूव आउट करके उसको किल कर देगा। अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में है और उसको पता है कि ये सेल को डिस्ट्रॉय किए बिना नहीं
किल होगा तो वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए कई बार क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स के लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और उसको किल करना शुरू कर देता है, तो वो फिर हमारी बॉडी और वीक हो जाती है और इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी मेडिसिन भी उनको दी जाती है, क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती बाहर से किसी भी चीज को, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, वो एज अ फॉरेन एजेंट यूज करती है कि ये एक फॉरेन एजेंट है, तो उसको जस्ट कि ये फॉरेन एजेंट नहीं है, ये बॉडी का ही पार्ट है ऐसा फील करवाने के लिए हमने बहुत सारी मेडिसिन उसको पेशेंट को दी जाती है, ताकि इम्यून सिस्टम को ऐसा लगे कि नहीं कोई भी फॉरेन एजेंट नहीं आया है, क्योंकि अगर उसको ये फील होगा कि फॉरेन एजेंट कोई बॉडी में आ गया है तो वो उसके खिलाफ फाइट करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट की जो कंडीशन है और सीरियस हो सकती है। सो इसीलिए इम्यून सिस्टम अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर वो सिर्फ फॉरेन एजेंट के लिए ही वर्क कर रहा है देन वो अच्छा है, लेकिन अगर वो अपने ही सेल को किल करना स्टार्ट कर देगा देन वो बुरा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करके रखें। थैंक यू।